अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी क्या हाल है बच्चों आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरे अच्छा बच्चों, आप लोगों को जो है डेट शीट मिल गई हुई है? यस मिस। उसके अंदर में से आपने फिजिक्स का भी ले लिया? फिजिक्स कभी हमने पढ़ी नहीं थी। हाँ जी, वो तो एंड में है ना, एक चैप्टर है, हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, वो ज्यादा लेंथी नहीं। ठीक है, तो मिस इसीलिए आप मैंने क्वेश्चन आंसर वैसे नहीं पढ़वाती? आपके पास नोट्स नहीं है? आप लोगों के पास नोट्स हैं? मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, बताया टीचर तो साथ एक मैंने जो दफा पढ़ाया क्वेश्चन है आंसर भी उसी से करवाया। रिलेटेड, मेरी बात सुने ना, जितना आपको पढ़ाया है आपसे क्वेश्चंस पूछती रही हूँ ना, वही जी क्वेश्चंस मिस। हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस में। ओके मिस। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, नो मिस। अच्छा जी, मिस आज आपने लंच का आप कह रही, मैं दोबारा तो आ दूंगी ना। मिस कल छुट्टी है? मालूम नहीं है कुछ मुझे। नहीं वो मिस तो सिलेबस में तो लिखा हुआ था ना कि ट्यूजडे को। ओके नहीं, क्लासेस की तो छुट्टी नहीं होगी, आपके पेपर की छुट्टी होगी। ठीक, क्लासेस तो होंगी आपके मिस लिए। ठीक, अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है, छुट्टी है किस चीज? छुट्टी होगी किस चीज की? अच्छा बेटे, आज जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका वही केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, लेकिन ये है कि जितना एक दो दिन लगेंगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, ओके, टुडे इज 24th में, May 2021, एंड इट्स योर जनरल केमिस्ट्री पोर्शन, दैट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हाँ जी, हम टॉपिक जो है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज अबाउट वैलेंसी। और इसे इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और थोड़ी बहुत जो है उसकी डिटेल भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि और एग्जांपल्स भी हम इसमें कोट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। हाउ कैन यू डिफाइन केमिस्ट वैलेंसी?
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। और आपको मालूम है कि एलिमेंट्स जो हैं, किसे हमने डिफाइन किया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि दीज आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स यानी हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि एलिमेंट्स जो हैं दे कैन गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी वो किस तरह से गेन करते हैं, जब वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, अब बॉन्डिंग मैंने बताया था कि वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, या तो कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, दूसरे एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। मैंने आपको सिंपल जो एग्जाम्पल दी थी वो किसकी, सोडियम क्लोराइड की दी थी, जिसमें सोडियम एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी कोशिश होती है कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, किसी दूसरे एटम को। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके ऑक्टेट में कम है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने में कम है, तो वो किसी दूसरे एटम से ले ले। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों एटम्स जो हैं आयंस बनाते हैं, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सोडियम आयन, ठीक है, और क्या बनता है, क्लोराइड आयंस बनते हैं। ठीक है, अब ये सोडियम और क्लोराइड आयंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके पास कौन सा कंपाउंड बनता है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है, क्योंकि ये आयंस फॉर्मेशन से बनता है, यानी पहले इसमें आयंस बनते हैं उसके बाद बॉन्डिंग होती है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे एटम्स जो कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग से बॉन्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, आपको पता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो शेयरिंग करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के। अब मैं डॉट एंड क्रॉस यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक है, अब ये दोनों एटम्स जो हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें आयंस नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। ठीक है, एक जैसे एटम्स हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। ठीक, अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कि ये एक ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से सोडियम जो है ये भी एक ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। और क्लोरीन भी एक ही सोडियम एटम के साथ जो है वो कंबाइन कर रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या करता है, ये दो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है, यानी हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो अब ये देखें कितने बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, एक ये बना रहा है, दूसरा ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। यानी हर हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब आपको होप्स हो कि आपको थोड़ा सा जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी होगी। ठीक है, पहले भी हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसके साथ ही जो है एक और टॉपिक है, दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल
वेरिएबल वैलेंसी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि वैलेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या चीज डिपेंड करती है, वैलेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, शेयर करेगा, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा जी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी। ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी। This type of valency is called as variable valency. यानी एक ही element जो है वो different type की जो है valency show करता है, यानी कुछ compounds में उसकी valency one होती है, कुछ compounds में उसकी valency क्या होती है, two होती है। ठीक है, depend करता है वो किस दूसरे element के साथ combine कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है conditions जो है जिसमें chemical reaction हो रहा है उस पर भी depend करता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किस टाइप की वैलेंसी जो है वो शो करेगा, या डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशन हैं एलिमेंट्स की उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो कौन सी है, कॉपर की। कॉपर शोज वेरिएबल वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो कॉपर को जो है वो सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैलेंसी जो है वो वन प्लस भी हो सकती है, और कॉपर की वैलेंसी जो है वो टू प्लस भी हो सकती है। ठीक है, यानी कुछ कंपाउंड्स में ये प्लस वन वैलेंसी जो है वो वन वैलेंसी शो करता है, और कुछ कंपाउंड्स में ये टू वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इससे ये क्या है, वैरायटी है। ठीक है, वेरिएबिलिटी है। तो ये क्या है, दोनों कंपाउंड्स क्या, ये कंपाउंड क्या शो कर रहा है, ये एटम जो है इट शोज वेरिएबल वैलेंसी। इसके अलावा आयरन है, उसकी भी जो है वो वेरिएबल वैलेंसी होती है, कुछ कंपाउंड्स में ये टू पॉजिटिव और कुछ में जो है ये थ्री पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो शो करता है। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास जो है वो बुक में एक टेबल बना हुआ है, इट इज टेबल जो 7.4। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनकी वैलेंसीज दी हुई है, वो हम वन बाय वन जो है देख लेते हैं कि वैलेंसीज जो है वो एलिमेंट्स की क्या क्या है। ठीक है, आपने जो है इसमें एक तो ये डेफिनेशन लर्न करनी है इसकी। ठीक है, यानी होम असाइनमेंट आपकी क्या है, इसमें लर्न डेफिनेशंस दोनों की, वैलेंसी की और वेरिएबल वैलेंसी की, इसकी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है विद एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, और दूसरा काम आपने इसमें क्या करना है कि ये जो टेबल है 7.4, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो है वो वैलेंसी शो की हुई है, ये वैलेंसीज आपने याद करनी है, ये दो आपकी जो है वो होम असाइनमेंट्स है। ठीक है, अब इसमें देखें सोडियम जो है इसकी वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी वन है, ठीक है, वन प्लस है। पोटेशियम की वैलेंसी जो है वो वन प्लस है, इसके अलावा सिल्वर की जो है वन प्लस, मैग्नीशियम टू प्लस, कैल्शियम टू प्लस, बेरियम टू प्लस, जिंक की भी टू है। ठीक है, कॉपर जो है ये इसकी वेरिएबल वैलेंसी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वन और टू वैलेंसीज ये शो करता है, और इसके अलावा मर्करी जो है इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी है यहाँ पर। हाइड्रोजन वन प्लस, क्लोरीन वन माइनस, ठीक है, ब्रोमीन वन माइनस, ठीक है, और इसके अलावा आयोडीन की भी वन है, ऑक्सीजन टू, सल्फर टू, नाइट्रोजन थ्री, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी है टू और थ्री, और एल्यूमिनियम की जो है वो थ्री वैलेंसी है। ठीक है, अब देखें एल्यूमिनियम जो है ये भी आयनिक कंपाउंड बनाता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, थ्री है। ठीक है, इसकी वैलेंसी थ्री है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है आपको पता है कि वन है। ठीक है,
ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम के साथ जो है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसलिए इसके साथ 3 क्लोरीन एटम्स जो है वो 1-1 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और जो डेफिनेशन है इसमें ये भी जो है आपने क्या करना है, इसका भी टेबल जो है इसको भी लर्न करना है, ठीक है। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि जिसमें कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अब रेडिकल जो है इसमें डिफरेंट रेडिकल्स आपको टेबल जो है 7.5, ठीक, इसको देखिएगा, इसमें अमोनियम आयंस हैं, हाइड्रोनियम आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि कुछ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और कुछ पर क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि आयंस जो हैं वो कैटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है हमने कैटायंस में पढ़ा था जिससे Na पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके अलावा Al पॉजिटिव 3 है, ये तमाम क्या है, कैटायंस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडिकल जो है इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, किसमें किसी में जो है वो 2 एटम्स हैं, किसी में 3 एटम्स हैं, किसी में 4 एटम्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि अमोनियम, अमोनियम आयंस, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसमें 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन, इट इज अ रेडिकल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं OH नेगेटिव से, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेडिकल्स, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये तमाम क्या हैं, रेडिकल्स हैं। इसको आपने किस तरह से लर्न करना है, इसके फॉर्मूलाज भी लर्न करने और इसके नेम्स भी लर्न करने, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोनियम आयंस हैं, इसमें देखें H3O पॉजिटिव, और बाइसल्फेट आयंस हैं, HSO4 नेगेटिव, सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयंस SO3 2 नेगेटिव, फॉस्फेट आयंस PO4 3 नेगेटिव, इसके अलावा नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। यानी साथ साथ जो है वो रेडिकल्स हैं और इनकी वैलेंसीज शो की हैं, और वैलेंसीज कौन सी हैं जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। इसको आपने इसी तरह से लर्न करना है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ही आप लर्न कर सकेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को सर पर नहीं आपने सवार करना, ठीक है। अच्छा जी, कोई अगर क्वेश्चन इससे, इस टॉपिक से रेलेवेंट है तो आप पूछ लीजिए जी। नो मिस, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो मिस, नो मिस।
अच्छा बेटे, इसको आपने लर्न अच्छी तरह से करना है, ठीक है? आपके ओके पेपर्स मैम। भी जो है वो मिस स्टार्ट, कल छुट्टी की है, टेस्ट नहीं ना होना कल? कल छुट्टी है किस चीज की? क्या नहीं होना बेटे? कल वो टेस्ट नहीं ना होना, कल छुट्टी आएगी किस चीज की? 25 मई छुट्टी है को तो नहीं होगा, लेकिन आपकी क्लासेस होंगी, ये मिस, मैं ऑनलाइन। पूछ रहा हूँ किस चीज की ऑफ है, हेलो जी किस चीज का ऑफ है, किस बेटे, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मुझे। मिस ऑफ क्यों है मतलब? मिस जो हमारे कल की जो हमें डेट शीट मिली है ना, उसके कल के ऊपर लिखा हुआ है ऑफ, हाँ जी, तो क्या हो तो गया क्यों मतलब? ऑफ है? आप तो तो कोई किस गलती चीज का ऑफ नहीं, है किस चीज का ऑफ है? सिर्फ आपके पेपर का ऑफ, जी? ठीक है? तो जूम क्लास तो होंगी ना? हाँ जी, जूम क्लासेस होंगी, मैंने आपको बताया है, जूम क्लासेस होंगी। ओके ओके। बेटे, अल्लाह हाफिज।